जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपने बच्चे के जन्म से पहले ही बाल विकास और व्यक्तित्व विकास का अध्ययन शुरू कर दे, अपनी फलती फूलती वकालत की चरम सीमा पर उसे त्याग अपना जीवन युवा वर्ग को दिशा देने के लिए समर्पित कर दे। जी हाँ, इस फिल्म में प्रोफेसर चाणक्य की भूमिका अदा करने वाले अशोक अरोड़ा की ये अपनी कहानी है। वे एक मशहूर वकील हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन के 2 बार सचिव भी रह चुके हैं। केवल 16 वर्ष की आयु में दिल्ली के हिंदू कॉलेज में डॉक्टर इकबाल के उस शेर ने उनके जीवन की सोच ही बदल डाली, जिसमें उन्होंने किसानों की दुर्दशा की चर्चा की है। वे एक साधारण परिवार में पले, जहां एक समय फ्रिज, टीवी और टेलीफोन तो दूर, टॉयलेट और बिजली भी ना थी। इसके बावजूद जल्द ही अशोक ने वकालत की बुलंदियों को छू लिया। वो कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों, टाटा, बिरला, रिलायंस, हिंदुजा के वकील रहे। साथ ही साथ दुनिया के बड़े बड़े देशों के दूतावासों और वकीलों के पैनल पर भी रहे। सन 1984 में आमरण अनशन पर बैठ दिल्ली हाईकोर्ट को निचली अदालतों को लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर दिया। हाल ही में जेसिका लाल मर्डर केस में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में आवाज उठा, देश भर में प्रदर्शन का माहौल बना, इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शिवानी और आरुषि मर्डर केसेस में भी बेधड़क आवाज उठाई। 1000 से भी अधिक गरीब कैदियों को जेल से रिहा करवाकर अपनी संवेदनशीलता का भरपूर परिचय दिया। उनके लिए किसी शायर ने खूब कहा है कि खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो सभी सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात बेबाक कहने के लिए मशहूर हैं और सैकड़ों बार विभिन्न टीवी चैनल्स और अखबारों में अपना बयान दे चुके हैं। इसके अलावा वे सैकड़ों बार समाज के विभिन्न मुद्दों पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, आर्मी, पुलिस, लॉयर्स, जजेस, डॉक्टर्स व विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधन कर प्रभावित कर चुके हैं। समाज व खासकर युवा वर्ग के विकास के लिए कई लेख और पुस्तकें भी लिख चुके हैं, जिनमें सिंपल टिप्स फॉर श्योर शॉट सक्सेस, तनाव मुक्त सफलता व मीट योर सोल प्रमुख हैं। किसानों द्वारा आत्महत्या, करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी न मिलना और युवा वर्ग के गिरते मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य से चिंतित हो 2005 से अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देश विदेश में भ्रमण करते हैं। उनका सोचना है कि हम इस शिक्षा प्रणाली में अच्छे इंसान नहीं बल्कि मशीन्स और कंप्यूटर्स बना रहे हैं, जिसके कारण समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार और बेचैनी है। इस फिल्म का उद्देश्य भी महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध व समाज में भ्रष्टाचार और भूखमरी के कारण उपाय व बचाव के तरीकों की पहचान करना है। इस फिल्म में युवा वर्ग के संपूर्ण विकास, खास तौर पर आत्मचिंतन और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों में प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है, ताकि वे समाज में फैली बुराइयों का कड़ा मुकाबला कर मानवता के विकास में अहम भूमिका अदा करें। हम आशा करते हैं कि ये फिल्म व्यक्ति विशेष को सुखमय जीवन, अपने अपने क्षेत्र में चरम सीमा में पहुंचाने व मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। बरस की बेटी से देखो किया
दरिंदों ने दुष्कर्म, 5 बरस की बेटी से देखो किया दरिंदों ने दुष्कर्म। मानवता कसौटी पर है, कसूर किसका, कसूर किसका, कसूर किसका, सोचो जरा। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कितनी दर्दनाक घटना है नहीं अचानक पढ़ा तुमने? लो चाय लो। वैसे अचानक ये समस्या क्या है और इसकी जड़ क्या है? समस्या ये है राधा, पहले 16 साल बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जीवन की, सोच की, अच्छे की, बुरे की, सच की, झूठ की। हाँ, और ये भी बताया जाता था कि खुशी किसमें है, मुक्ति किसमें है, है ना? बिल्कुल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में क्या दोष है ये समझाया जाता था। पहले हम अपने बच्चों को बताते थे कि नफरत और घृणा इंसान को कैसे गिरा देती है। सच का क्या महत्व है, संतोष का क्या महत्व है? जैसे कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कितना ठीक कहा है ना, संतोष परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। हाँ चाना, पहले बच्चों को यह बताया जाता था कि चोरी करना क्यों पाप है और चोरी है क्या। हाँ, किसी के घर से कुछ चुरा लेना ही खाली चोरी नहीं है, मैं तो सोचता हूँ किसी का हक रखना भी चोरी है। बिल्कुल। हिंसा क्या है, किसी को खाली चाकू मारना, गाली देना ही हिंसा नहीं है? किसी के बारे में बुरी सोच रखना भी हिंसा है। एकदम ठीक, पर आज आपस में प्यार रह ही कहां गया है लोगों में। आज तो लोग इतने तंगदिल हो गए हैं कि किसी की तारीफ करने तक में झिझकते हैं। बिल्कुल। मौन का क्या महत्व है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है? कबीर साहब ने कितना सुंदर लिखा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। पर आज हम लोग अपने बच्चों को ये सब पढ़ाते ही कहाँ हैं? बिल्कुल, हम सब ये शिक्षा दे ही कहाँ रहे हैं अपने बच्चों को। पर आज हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं कि बड़ों का आदर कैसे करना है, धैर्य कैसे रखना है। समस्या ये है राधा, पहले हम सींच सींच कर प्यार से, दुलार से, पानी से, खाद से एक बच्चे को एक वृक्ष बनाते थे जो सैकड़ों वर्ष तक समाज को छाया देता था। आज तो वृक्ष बनाने की विधियां ही समाप्त हो चुकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज तो लगता है कि जैसे हम बस नन्हे नन्हे पौधे ही बना रहे हैं। आज तो एक बड़ा पौधा भी एक नन्ना सा पौधा है, जिधर चाहे मोड़ दो, जरा सी हवा आए तो गिरने को तैयार। वो तो दिख ही रहा है समाज में। तभी तो किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है, घरों पे नाम लिखे थे, ओहदे लिखे थे, बहुत तलाश की मगर आदमी ना मिला। देखो चाना, पहले 16 साल की शिक्षा के बाद बच्चों को मैदान में लाया जाता था, उन्हें दुनिया दिखाते थे, जीवन का अनुभव कराते थे। तभी तो निदा फाजली साहब ने खूब लिखा है
कहते हैं धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। बहुत खूब, क्या बात है। यानी 16 साल की शिक्षा के बाद पूरे वेद शास्त्र पढ़कर जिंदगी का तजुर्बा लिया जाता था, आज ये सब होता ही कहाँ है। एकदम ठीक कह रहे हो चाणक्य। हेलो सर। अरे आओ दोस्तों, आओ बैठो। निहारिका कम कम रवि कम। क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। मैंने आज आप लोगों को किस लिए बुलाया ये आप अच्छे से जानते हो। शहर में जो ये दर्दनाक घटना घटी है उससे हम सब आहत हैं, और आप दोनों मेरे अच्छे दोस्तों में से हो, इसलिए ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। निहारिका आप बात करना शालिनी से, रवि आपके साथ रहेंगे। जी आप चिंता ना करें सर। जब भी वो बच्ची मिलने को तैयार हो जाए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सर हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने मिशन पर निकलिए। ऑल द बेस्ट, कीप मी इन्फॉर्म। ओके सर, थैंक यू, बाय। कितने बजे की बात है? रात 9 बजे की। एक बात बता, रात 9 बजे एक लड़के के साथ बाहर क्या कर रही थी? ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़े, अच्छी तरह जानू आजकल की छोरियों को। आप अपना काम करिए और रिपोर्ट लिखिए, आपको यहाँ जनता की सेवा के लिए तनख्वाह मिलती है। सुन छोरी, हमें अपनी ड्यूटी मत बता, पहले तो लड़कों के साथ बाहर घूमती है और जब माँ बाप को पता चल जाए तो यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आती है। आप जैसे पुलिस अफसरों की वजह से ही ये महकमा बदनाम है। अब मुझे पता लगा महिलाएं अपनी रिपोर्ट लिखवाने क्यों नहीं आती। और चांस का वारे। अच्छा वकील साहब, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, रिपोर्ट लिखी जा रही है। अब हर केस में प्रदर्शन होगा तभी कार्रवाई होगी क्या? शालिनी सुना है आपके बारे में, बहादुर लड़की है। हिम्मत रखो, हम सब आपके साथ हैं। जल्द मुलाकात होगी आपसे। स्विन आप ध्यान रखना इनका। जी सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज क्या डिस्कस करेंगे? ऐसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आप सबको। प्रोफेसर राधा से आप वाकिफ हैं, साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। आज हमारे बीच प्रोफेसर दीप्ति भी हैं जो IIT में टेक्सटाइल की प्रोफेसर हैं। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव हर हियर। तो गपशप करते हैं, स्टार्ट कीजिए। क्या बात कर रहे थे हम? सर मैन की डेफिनेशन क्या है? आप लोग बताओ। सर मैन इज अ सोशल एनिमल। ओ समझे, सोशल प्लस एनिमल इज इक्वल टू मैन। दैट मीन्स मैन माइनस सोशल इज इक्वल टू एनिमल। सर इस तरह से तो आज संसार में ज्यादातर लोग एनिमल हुए। बहुत अच्छा कहा आपने शुभांगी, इसलिए तो संसार में बेचैनी है, अपराध है, भ्रष्टाचार है। सोशल वो नहीं होता जो गाली नहीं देता, चोरी नहीं करता, चाकू नहीं मारता। और खाली ये गुण इंसान या सोशल होने के लिए काफी नहीं है। वो कहते हैं ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी है। मार्टिन लूथर किंग ने तो बहुत अच्छे शब्दों में कहा, और शायद महात्मा गांधी जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि दुनिया में दुख और अत्याचार बुरे लोगों की वजह से नहीं है बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी और अकर्मों के कारण है। हम बच्चे के जन्मदिवस पे 4 लोगों को खाना खिलाते हैं और 40 लोगों को ढिंडोरा पीटते हैं, आप इसे सोशल कहते हैं? सोशल हम उसे कहेंगे जो देश के 35 करोड़ जनता के बारे में सोचता है, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जिन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। जो उस किसान के बारे में सोचता है जो आत्महत्या करता है, जो बेझिझक बेनिडर अपनी पूरी समर्थता मर्यादा अपनी पूरी ताकत समाज के लिए लगा देता है, बाकी सब नाटक कर रहे हैं। जो बच्चों के बारे में ही नहीं बल्कि नदियों, पशु पक्षियों और वातावरण के बारे में भी सोचता है, और उस बूढ़ी माँ के बारे में भी सोचता है, उसके लिए रोता है,
और जो ऐसा है कि खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और जो ऐसा है जैसे बशीर बद्र लिखते हैं कि मेरा दामन दर्द से भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, या दुनिया के जख्मों पर मरहम रख दे या मेरा दिल पत्थर कर दे या अल्लाह। और जो ऐसा है जैसा जावेद अख्तर लिखते हैं, सबके दुख दर्द सिमट आए मेरे सीने में, बांट दे सबको खुशी ला मुझे आंसू दे दे। ऐसा बनना है तुम्हें सबको, बनोगे? बनेंगे। अरे ऐसे नहीं, जोश से कहो। बनेंगे। हाँ, अब हुई ना बात। सर आजकल ऐसा कर कौन रहा है? आप हमें कह रहे हैं, हमसे बड़े भी इन बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। सर इन सब समस्याओं में अकेला आदमी कर ही क्या सकता है? ठीक कहा बच्चे आपने, एक आदमी सारे संसार को खुशी नहीं कर सकता। अकेले तो राम और नानक नहीं कर सके, प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस नहीं कर सके, बुद्धा नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी है। हाँ, इसका मतलब ये कि हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना है, जितना और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतनी कोशिश करनी है। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए करना क्या है? अबे तू बैठ जा, यहाँ सारी रामायण खत्म हो गई, तू पूछ रहा सीता कौन थी? करना क्या है बेटे, ये दुष्यंत साहब ने बहुत अच्छे से लिखा है। कवि दुष्यंत लिखते हैं कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी और की नजर से हम, और माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, एक जमी को एक आदमी गुलजार नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता है। माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कुछ दुख तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। वाह वाह क्या खूब कहा। ऐसा कुछ रखिए। तो कुछ समझ आया? मतलब ये कि आपसे जितना बन पड़े समाज के लिए करो, अरे कुछ तो समस्याएं कम होंगी। आज के लिए इतना ही काफी है, अब जाओ और मस्ती करो। मेक लाइफ ए सेलिब्रेशन, हर वक्त खुश रहो। आप ये सोचो अगर आपके बैंक में 500 रुपए है तो 5000 का चेक कैसे काटोगे? इसलिए हर वक्त खुश रहो, इतना खुश रहो और खुशियां बांटो। ओए होए क्या लड़की आ रही यार। अरे ये तो वही लड़की है जिसका रेप हुआ था। कालू राम का शिकार। ओ धीरे बोल धीरे, ऐसे तू इससे शादी करेगा? ओए पागल है क्या, इससे कौन शादी करेगा? बदतमीज, चल साली में। दादा कभी सोचता हूँ ये हैवानियत क्यों है? देखो देखो ये क्या हो रहा है समाज में। चाणक मुझे लगता है कि एक फेज है, और ऐसे में तुम्हारे जैसे लोगों की समाज को बहुत जरूरत है, क्योंकि असल में लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। पर दिल का क्या करें दादा, अक्सर बेचैन हो जाता है। मैं समझती हूँ। अच्छा ये बेचैनी कब से है? अच्छा सवाल पूछा आपने, बेचैनी कब से है? 40 साल से राधा, 40 साल से। 40 साल मतलब? हाँ राधा 40 साल। आज से 40 साल पहले जब मैं स्कूल पास कर हिंदू कॉलेज में आया तो मेरे एक दोस्त मोहित ने डॉक्टर इकबाल का एक शेर सुनाया। अच्छा इरशाद। अलामा इकबाल लिखते हैं, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी,
उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। मतलब? मतलब जिस खेत का किसान आत्महत्या कर रहा है उसके हर दाने को जला दो। क्या हक है हमारा उस खेत के दाने पे जिस खेत का किसान आत्महत्या कर रहा है? किसी का कोई हक नहीं। ठीक कहते हो चाना। पर काश कि सभी लोग तुम्हारे जैसा सोच पाते। दोस्तों आपको पता है हम जीवन उत्सव में अक्सर मिलते हैं और देश की जानी मानी हस्तियों से आपका परिचय भी कराते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं कि समाज की समस्या क्या है, उसका क्या हल है। तो आज हमारे बीच प्रोफेसर ओल्गा हैं जो सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं और चारू अली खन्ना जी नेशनल कमीशन फॉर विमेन की मेंबर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और बहुत ही युवा वर्ग के लिए काम कर रही हैं। मैं सबसे पहले चारू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए युवा के लिए आपका क्या संदेश है, इस हरकतों से बचने के लिए युवा को क्या करना चाहिए? देखिए ये जो घटना हुई है उससे सब लोग चिंतित हैं और विशेषकर युवा वर्ग ने इसमें अपना नेतृत्व दिखाया है और इतने प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन ये जब बच्चे मेरे पास आते हैं मैं कहती हूँ कि आप प्रोटेस्ट कब तक करेंगे, इस प्रोटेस्ट को आप एक रचनात्मक भाव दीजिए। रचनात्मक भाव वो पूछते हैं मेरे से कैसे, मैं कहती हूँ आप प्लेज लीजिए, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में ये दिया गया है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो ऐसी व्यवहार त्यागे जो महिला को अपमानित करता है या महिला के गरिमा के विरुद्ध है। तो इस प्रोटेस्ट को अब नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएं और अपने व्यक्तिगत वो तो ऑर्गेनाइज संगठित से और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी छोटी छोटी चीजें आपका कर्तव्य है। जैसे वृद्धाश्रम आप जा सकते हैं, वहाँ वृद्ध लोग हैं, बीमार हैं, आप उनसे बात करेंगे, आपके अंदर जो अच्छी भावनाएं हैं वो भी जागृत होंगी, आप संवेदनशील होंगे। तो मैं यही कहती हूँ। और जैसे छोटी सी बात है, जैसे एक्सीडेंट होता है, दिल्ली में आम एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, आप क्यों नहीं मदद करते? पहले लोग घबराते थे कि पुलिस उनको ही आरोपी बना लेगा, बट जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें आपको कोई तंग नहीं करेगा। आप हमें बताइए अगर तंग करता है तो आप उसको, अगर एक इंसान जो पीड़ित है या ग्रस्त है या दुर्घटना ग्रस्त है उसको अगर आप मदद कर सकते हैं या उसका जीवन बचा सकते हैं तो उससे बड़ा काम क्या हो सकता है। हम बात ये कर रहे थे बच्चों, मैं ये पूछता हूँ कि आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हो, पढ़ते क्यों? ऑब्वियसली सर, कुछ बनने के लिए, रोटी कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है सर, आप बताएं। फिजाए अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं। अर्श पे उड़ना मतलब? अर्श पे उड़ना मतलब हवा में उड़ना, आकाश में उड़ना। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य बड़ी गाड़ी, बढ़िया मोबाइल, बड़ा बंगला, बड़ी तनख्वाह ही नहीं है। सर फिर शिक्षा का उद्देश्य है क्या? फिजाए अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं, किसी के दिल में उतरना कमाल है प्यारे। वाह क्या बात है सर, मतलब अच्छे काम करके दिल में उतरना है। बच्चों तभी तो बात बनेगी, तभी तो समाज बदलेगा। तो सर सभी धर्मों का निचोड़ क्या है? ऋषभ आप अच्छे से जानते हैं, कुरान शरीफ में बड़ा अच्छे से आता है कि सबसे बड़ी जंग तो अपने दिल को जीतना है। और भागवत गीता में, सुखमनी साहब में, होली बाइबल में सभी का यही संदेश है, मन जीते जग जीत, अपने दिल को जीतना। सबके लिए प्रेम, सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, इसीलिए कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, बहुत बढ़िया बात करी प्रोफेसर ओल्गा आपने। ये तो वही बात है ना, कहते हैं ना कि लफ्ज़ मोहब्बत अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक।